Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to your channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Biology Mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Hello friends. So today's topic is frog. So in this particular video, we discuss about introduction of frog and morphology of frog. So I hope you really enjoy this video. So first we read for written in NCERT textbook. After that, we elaborate each and everything with simple and easy manner. So let's start, not wasting any time, studying with me, watch the video till end and keep support. So frog क्या होता है, हम सभी जानते हैं, है ना? Frog को हम सभी ने देखा है, हमारे घरों के चारों तरफ भी frog हमको दिखते हैं, है ना? अपने सीजन में. But इसमें क्या लिखा गया है वो पढ़ते हैं हम. Frog can live both land and fresh water. जो frog होता है वो लैंड पे भी रहता है और फ्रेश वाटर पे भी रहता है. फ्रेश वाटर पे भी रहता है और ये लैंड पे भी रहता है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबिया, है ना? एम्फीबिया क्यों बोलते हैं? एम्फी का मतलब होता है, एम्फीबिया आपको बताता हूँ मैं, है ना? एम्फी का मतलब होता है डुबल, बायोस का मतलब होता है लाइफ, है ना? एम्फीबिया बोलते हैं इसको, एम्फीबिया. ये एम्फीबिया होता है, यानी दो जगह अपनी लाइफ को सरवाइव कराता है. दो जगह ये रह लेता है, है ना? यानी दोनों जगह, ये वाटर पे भी और लैंड पे भी रह लेगा. तो यानी फ्रॉग कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर, है ना? वाटर में, कैसे वाटर में? फ्रेश वाटर. ये फ्रेश वाटर में ही क्यों रहता है, मराइन वाटर में क्यों नहीं रहता है? ये कि हमारे माइंड पे क्वेश्चन आता है ना कि भाई ये दोनों जगह रह सकता है, तो यानी वाटर पे भी रह सकता है और ये लैंड पे भी रह सकता है, तो ये अपने फ्रेश वाटर में ही क्यों रहता है, मराइन वाटर में क्यों नहीं रहता है? तो उसके पीछे का एक रीज़न है, अगर ये मराइन वाटर पर जाएगा तो ये मर जाएगा, अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं करा पाएगा वहाँ पर. क्योंकि हम सभी जानते हैं जहाँ पर साल्ट होता है वहाँ का जो सोल्यूशन होता है वो हाइपरटॉनिक होता है, ठीक है? यानी उसमें जो उसका जो होगा कंसंट्रेशन होगा बहुत ज़्यादा होगा, हाईली कंसंट्रेटेड होता है, यानी बहुत गाढ़ा होता है और उसमें जो होगा वाटर नहीं होगा, ठीक है? मैराइन वाटर में क्या हो जाएगा इसका, मैराइन वाटर में इसको एक्सोस्मोसिस हो जाएगी, एक्सोस्मोसिस हो जाएगी. एक्सोस्मोसिस, एक्सो का मतलब बाहर, यानी बाहर निकल जाएगा इसका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, इसके बॉडी का ऑस्मोटिक फ्लूड है वो बाहर निकल जाएगा इसकी बॉडी से. क्योंकि जो मराइन वाटर होता है उसमें साल की कंसंट्रेशन बहुत होती है, यानी वहाँ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, यानी हाइपरटॉनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है? तो इसकी बॉडी से जितना भी ऑस्मोटिक फ्लूड है यानी वाटर है वो निकल जाएगा, यानी इसकी बॉडी में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो पा जाएगी और ये मर जाएगा, यानी खुद को सर्वाइव नहीं करा पाएगा ये मराइन वाटर में. इसलिए ये मराइन वाटर में नहीं पाया जाता है. कहाँ पर पाया जाता है? सिर्फ ये फ्रेश वाटर पर पाया जाता है और लैंड पर पाया जाता है. इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है? और आगे देखते हैं. फ्रॉग कैन लिव बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, है ना? ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है. इसकी जो क्लास होती है वो एम्फीबिया होती है. एम्फीबिया, ये क्या दिया है? इसकी क्लास दिया है, इसका क्लास दिया गया है और इसका जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है. यानी इसमें नोटोकार्ड पाई जाएगी, है ना? इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है? हार्ट पाया जाएगा जिसमें कि टू एट्रिया होंगे और एक वेंटिकल होगा, है ना? ये हमारा फाइलम कॉर्डेटा में का मेम्बर है. इसकी क्लास जो है एम्फीबिया है, ठीक है? सो हम देखते हैं आगे. द मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो होती है फ्रॉग की, है ना, वो कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग इन फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना. जो इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीसीज है फ्रॉग की वो कौन सी है? राना टिग्रीना के नाम से हम इसको जानते हैं, यानी फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है. यानी इस नाम की प्रजाति हमारे इंडिया में पाई जाती है. ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूछ लेते हैं, याद रखेंगे, ठीक है? ये फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है, मराइन में क्यों नहीं पाया जाता है, मैंने आपको बताया उसका रीजन, ठीक है? आगे देखते हैं. दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, है ना? इसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है. यानी ये हमारे क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं और पॉक्लियोथर्म होते हैं. यानी कोल्ड ब्लडेड का मतलब यानी ठंडे खून वाले होते हैं, इनका जो ब्लड होगा वो ठंडा होगा नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है? और ये
इनको प्रोक्लियोथर्म बोलते हैं, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, यानी वेरी करता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे हमारे ह्यूमन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है हम लोग में, वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, यानी हम लोग जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, और वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। और इंडोथर्म बोलते हैं हम लोग को, इनको क्या बोलते हैं, पाइक्लोथर्म बोलते हैं, इक्टोथर्म बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी इनमें कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इनके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनके बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। इनके बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है। सच एनिमल आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पैक्लियोथर्म, और ऐसे एनिमल को जिनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ वेरी करता है, तो ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं हम लोग, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, पैक्लियोथर्म बोलते हैं। एक और बोलते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्टोथर्म, इक्टोथर्मल, ठीक है, इक्टोथर्मल, ठीक है। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंज इन कलर ऑफ फ्रॉग वाइल दे आर इन ग्रास एंड ऑन ड्राई लैंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कभी ये नोटिस किया होगा, हम लोगों ने ये देखा है कि ये फ्रॉग का कलर होता है ये चेंज होता रहता है ना, फ्रॉग का कलर है ये चेंज होता रहता है। जब ये ग्रास में होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो कलर चेंज कर लेगा, ग्रास में है तो वो ग्रीन ग्रास कलर का हो जाएगा, है ना। वो अपने आपको उसमें कोई ग्रास में है तो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे फ्रॉग है ना, जब तक सही से नहीं दिखेगा। बट इसमें क्या है ना, ये अपने कलर को चेंज करता रहता है, सो उसको क्या बोलते हैं, है ना। जब ये लैंड पे होता है तो ग्रास में होता है, इसका कलर चेंज कर लेता है। दे माइट ऑल्सो नोटिस दैट कलर फ्रॉग दे इन ग्रास, जब ये ग्रास में होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, एंड ऑन ड्राई लैंड, जब ये लैंड पे होगा यानी ड्राई लैंड पे होगा ग्रास में, तो अपना कलर चेंज कर लेगा, ठीक है। दे एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। सो ये जो होता है कलर चेंज की एबिलिटी जो होती है फ्रॉग में, ये कलर चेंज की एबिलिटी जो होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये अपने कलर क्यों चेंज करता है, अपने एनिमी से, है ना, अपने दुश्मनों से, अपने दुश्मनों से, दुश्मनों से छुपने के लिए, दुश्मनों से छुपने के लिए, है दुश्मनों से बचाव के लिए अपने बॉडी का कलर ये चेंज करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं, कैमोफ्लेज, है ना, कैमोफ्लेज बोलते हैं इसको, जब उन्हें एनिमी से छुपने के लिए यानी दुश्मनों से बचने के लिए अपने बॉडी का कलर चेंज करता है। और इस प्रोटेक्शन को, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, ये दोनों वर्ड अलग हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो क्या होता है कैमोफ्लेज, क्या होता है, जब वो एनिमी से बचने के लिए अपने बॉडी के कलर का चेंज करे, बॉडी का कलर चेंज करे, ठीक है। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, है ना, इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं। यू मे ऑल्सो नो डेट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर, है ना। हमने ये देखा है कि जब बहुत ही कड़ाके की क्या होती है, गर्मी होती है, पीक समर का मतलब यहाँ पे है, पीक समर का मतलब है बहुत, जब पीक लेवल पे होगा, बहुत अधिक मात्रा में गर्मी होगी, जब बहुत अधिक गर्मी, जब बहुत अधिक गर्मी होती है, और जब सर्दी होती है, बहुत अधिक गर्मी में और सर्दी में हमको ये फ्रॉग नहीं दिखता है, तो नहीं दिखता है तो ये कहाँ चला जाता है, वो हमको बताया गया, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है वो आगे चल के बताया गया है, ठीक है। हमको जब पीक समर होती है और पीक विंटर में हमको ये फ्रॉग नहीं दिखता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप फरोस टू प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, है ना। इस सीजन में क्या होता है, ये अपने शेल्टर पे चला जाता है, जो जैसे बोरो नीचे बहुत ज़मीन पे गहराई पे ये बिल बना के रहता है ना, बोरो का मतलब होता है बिल, है ना, इसका मतलब होता है बिल, ये बहुत गहराई पे ये ज़मीन के नीचे बिल बना लेता है और वहाँ पे ये रहता है। ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन को, यानी जैसे हीट हुआ, कोल्ड हुआ, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो उसको झेलने के लिए यानी इसको उससे बचने के लिए अपने डीप गहराई पर चला जाता है, वहाँ पर बिल बना लेता है, वहीं पर रहता है, ठीक है। सो दिस नोन एज समर स्लीप, है ना। अगर समर स्लीप को बोलेंगे तो समर स्लीप को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं, और विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, समर एस्टिवेशन और विंटर में, तो समर स्लीप में एस्टिवेशन, एस्टिवेशन में यस आया,
एस्टिवेशन में क्या आया, यस आया समर में, यस आया, तो यानी जो एस्टिवेशन होगा वो समर स्लीप होगा, ये इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजिंग है। समर स्लीप को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं, और विंटर स्लीप है ना, विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, हाइबर डब्लू विंटर है ना, जैसे हम लोग विंटर ऐसे लिखते हैं ना, विंटर, विंटर में वी आई, ठीक है, हाइबर में हाइबर, हाइबर हाइबर में भी इसमें वाई इसमें बाई, तो इससे रिलेट कर लेंगे, यानी जो हाइबरनेशन होगा वो विंटर स्लीप बोलेंगे, जो एस्टिवेशन होगा उसको समर स्लीप बोलेंगे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजीज की देखते हैं, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। यू हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग, कभी आपने क्या फ्रॉग की स्किन को टच किया है, सो हम आंसर क्या करेंगे, जी यस आई टच्ड इट, ठीक है, यानी हाँ मैंने इसकी स्किन को टच किया है। इसकी जो स्किन होती है बहुत स्मूथ होती है और उसमें म्यूकस बहुत स्लाइबली, मतलब बहुत म्यूकस होगी उसमें, बहुत चिकनी चिकनी टाइप की होगी, ठीक है। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग, हाँ मैंने स्किन ऑफ फ्रॉग को टच किया है। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी, जो इसकी स्किन होती है बहुत स्मूथ होती है, यानी बहुत स्मूथ होगी, सॉफ्ट होगी और स्लिपरी होगी, यानी बहुत चिकनी होगी, है ना, चिकनी होगी, स्लिपरी का मतलब होता है बहुत, वो क्या होगी, चिकनी होगी, और सॉफ्ट स्मूथ का मतलब होगी बहुत मुलायम होगी, ठीक है। ड्यू टू, ये चिकनी क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है ना, इसमें म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस की वजह से वो इसकी स्किन जो होती है चिकनी होती है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन मॉइस्ट कंडीशन, है ना, जो स्किन होती है वो हमेशा मॉइस्ट बनी रहती है ना, स्किन जो होगी इसकी मॉइस्ट कंडीशन मेंटेन किए रहती है। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ओलाइव ग्रीन, है ना, जो इसकी बॉडी का कलर होता है वो दोनों तरफ अलग अलग होता है, यानी जो इसकी डॉर्सल साइड का बॉडी कलर होगा वो जनरली ओलाइव ग्रीन, ओलाइव ग्रीन का मतलब होता है जैतून ग्रीन, यानी जैतून हरे रंग का, जैतून हरे रंग का, जैसा जैतून होता है उस हरे रंग का इसके डॉर्सल साइड का बॉडी कलर होता है। विथ डार्क इनरेगुलर स्पॉट, है ना, और उसमें डार्क इनरेगुलर स्पॉट पाए जाएंगे, यानी उसमें रेगुलर तरीके से स्पॉट नहीं होंगे, डार्क होंगे, धब्बे के रूप में पाए जाएंगे, जो कि कहीं कहीं पर पाए जाएंगे, कहीं कहीं पर अब्सेंट होगा, फिर पाया जाएगा, फिर अब्सेंट होगा, इसलिए इसको इनरेगुलर बोला गया है, ठीक है। और ये डॉर्सल साइड की बॉडी होगी, ठीक है। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर, यानी इसमें जो वेंट्रल साइड की बॉडी होगी पेल येलो कलर की होगी, यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से, सामान्य रूप से, है ना, सामान्य रूप से, यानी इसकी जो बॉडी होगी यूनिफॉर्म एक तरीके से होगी, यानी पेल येलो कलर की होगी वेंट्रल साइड में, ठीक है। बट डॉर्सल साइड में थोड़ा गड़बड़ था, यानी वहाँ पे इरेगुलर स्पॉट पाए जा रहे थे डार्क कलर के, बट ओलाइव ग्रीन कलर की थी, ठीक है। आगे देखते हैं। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, यानी फ्रॉग हमने उसको कभी नहीं देखा कि फ्रॉग जो है पानी पी रहा है ना, हम लोगों ने कभी नहीं देखा फ्रॉग पानी पीते हुए, वो अपने जो पानी को होता है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करता है थ्रू स्किन, वो अपने स्किन बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, वो कभी पानी नहीं पीता है, बट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन विद द हेल्प ऑफ बाय सिंपल डिफ्यूजन है ना, बाय सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है स्किन के थ्रू, है ना। बॉडी ऑफ फ्रॉग, बॉडी की फ्रॉग को, यानी फ्रॉग की बॉडी को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, फ्रॉग की बॉडी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, हेड एंड ट्रंक, यानी जो फ्रॉग की बॉडी होती है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। द फ्रॉग डिवाइजेबल इनटू हेड एंड ट्रंक, यानी एक हेड वाला हिस्सा और एक ट्रंक वाला पूरा, जिसको ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक का मतलब होता है धड़, धड़ बोलते हैं इसको, है ना, इसको धड़ वाला हिस्सा बोलते हैं, धड़, ठीक है, धड़ वाला हिस्सा बोलते हैं, ठीक है। देन ए नेक एंड टेल आर अब्सेंट, यानी फ्रॉग में जो होता है नेक यानी गर्दन और टेल अब्सेंट होती है, यानी फ्रॉग में जो होगी नेक और टेल आर अब्सेंट होती है, फ्रॉग में गर्दन और टेल अब्सेंट होती है। माउथ के ऊपर ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट, यानी माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में यानी एयर को अंदर लेंगे, ठीक है, इनहेल करेंगे, माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। आई आर बल्ज, और इनकी जो आँखें होती हैं वो बल्ज होती हुई, तो मतलब उभरी हुई आँखें होती हैं।
बल्ज का मतलब होता है उभरी हुई आंखें, ठीक है, जो कि बल्ज का मतलब होता है उभरी हुई, ठीक है। इसमें जो आंखें होंगी वो कैसी होंगी, उभरी हुई होंगी, एंड कवर्ड बाय ए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखेंगे, जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है ये इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन पूछ लेते हैं कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है याद रखेंगे। ये हमारे जो फ्रॉग वाटर के अंदर होंगे तो वो वाटर के अंदर अपनी आंखें खोल के रखेंगे, है ना, वाटर के अंदर अपनी आंखें खोले रहेंगे तभी उनको चीज़ें दिखेंगी सारी की सारी, ठीक है। और वाटर के अंदर जब आंखें खोलेंगे तो उनकी आंखों में पानी ना जाए, उसके लिए ये मेम्ब्रेन होती है ना, वाटर को प्रिवेंट करती है इनकी आंखों में ना जाने के लिए, तभी ये परमानेंट वाटर के अंदर अपनी आंखें खोल के चारों तरफ देखते रहेंगे, ठीक है। तो क्या है कि आंखें जो बल्ड होती हैं कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन डेड प्रोटेक्टेड देम व्हाइल इन वाटर, ये प्रोटेक्ट करती है जब ये पानी में होते हैं फ्रॉग, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ आइस ए मेम्ब्रेनस टिम्पेनम ईयर रिसीव साउंड सिग्नल, है ना। इसमें जो होता है आइदर साइड ऑफ दोनों आंखों के दोनों तरफ एक मेम्ब्रेनस टिम्पेनम होती है जो रिप्रेजेंट करती है ईयर को, है ना, आई के बगल में यहाँ पे इनके छेद होंगे, है ना, जिसको मेम्ब्रेन टिम्पेनम बोलेंगे, यानी फ्रॉग में जो होगा टिम्पेनम रिप्रेजेंटेड ईयर, फ्रॉग में क्या होगा टिम्पेनम रिप्रेजेंटेड ईयर, यानी फ्रॉग में जो होगा वो टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि रिसीव साउंड सिग्नल को रिसीव करता है, टिम्पेनम जो होगा साउंड सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग वॉकिंग लीपिंग एंड बोरिंग, है ना, यानी जो इनके फोर लिम्ब होते हैं और हैंड लिम्ब होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। ये इनके फोर लिम्ब यानी आगे वाले पैर, मैंने आपको बताया था फोर लिम्ब मतलब आगे वाले पैर और हैंड लिम्ब मतलब पीछे वाले पैर, ये हेल्प करेंगे तैरने में, चलने में, लीपिंग में और बोरिंग में, मतलब बिल बनाने में, क्या करने में, बिल बनाने में हेल्प करेंगे, है ना, चलने में करेंगे और टहलने में करेंगे, स्विमिंग में और वॉकिंग में, लीपिंग में, बोरिंग में, ये हेल्प करेंगे इनके फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब। द हैंड लिम्ब एंड इन फाइव डिजिट एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्ब डेट इन डर फोर डिजिट, इसका मतलब क्या हुआ, जो हैंड लिम्ब होते हैं फ्रॉग में, उसमें कितने डिजिट पाए जाते हैं, यानी उसमें कितनी अंगुलियाँ पाई जाएंगी, ठीक है, वो कितनी होंगी, पाँच होंगी, ठीक है, पांच फिंगर्स पाए जाएंगे, यानी लिम्ब लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ठीक है, लिम्ब पाए जाएंगे, जो कि हैंड लिम्ब में फाइव डिजिट होंगे, यानी पांच होंगी, और जो कि लार्जर होती हैं और मस्कुलर होती हैं फोर लिम्ब से, है ना, जो फोर लिम्ब में कितने डिजिट होते हैं, फोर लिम्ब में कितने, चार डिजिट होते हैं, याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन दे सकता है हमको किसी नॉर्मल एग्जाम में, बट मेडिकल एग्जाम में तो नहीं आता इतना ईजी क्वेश्चन, बट अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो हैंड लिम्ब होंगे उसमें पांच डिजिट होंगी, मतलब पांच उंगलियां टाइप की होंगी, उंगलियां होंगी, फिंगर होंगी, ठीक है, जो कि लार्जर होती हैं, बड़ी होती हैं और मस्कुलर होते हैं फोर लिम्ब से, ठीक है, जो फोर लिम्ब में होते हैं फिंगर, यानी डिजिट होंगे वो कितने होंगे, चार डिजिट होंगे, फोर से हमको नाम से ही पता चल रहा है, फोर, है ना, फोर मतलब चार, और यानी फोर, और वो वाला जो फोर था वो वाला फोर, ऐसे यानी फोर लिम्ब में जो होगी कितने होंगे, फोर लिम्ब में कितनी, चार होंगे, ठीक है, और हैंड लिम्ब में पांच होंगे, ये याद रखेंगे, फोर लिम्ब से रिलेट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आगे देखते हैं, फीट हैव वेव्ड डिजिट डेट हेल्प इन स्विमिंग, इनके जो पैर होते हैं ना उनमें वेव लाइक स्ट्रक्चर होगी, यानी जाल के तरीके, वेव्ड का मतलब होता है जाल, है ना, यानी उनमें जो पाई जाएगी एक जाल लाइक की स्ट्रक्चर पाई जाएगी जो इनमें स्विमिंग में हेल्प करती है, इनको तैरने में पानी में हेल्प करती है, ठीक है। इनके आगे वाले पैरों पे यानी फोर लिम्ब में और हैंड लिम्ब में वेव लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी जो इसको स्विमिंग में हेल्प करती है। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, यानी जो फ्रॉग होता है वो सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म का मतलब होता है द्विरूपता का मतलब क्या हुआ, एक ही स्पीसीज में है ना डिफरेंसेस हों मेल और फीमेल में, एक ही स्पीसीज के मेल और फीमेल में डिफरेंसेस हों तो इसको बोलते हैं द्विरूपता यानी डाइमॉर्फिज्म, ठीक है।
उनको आइडेंटिफाई करने में डिफरेंसेस पता चले हमको, तो इसको हम द्विरूपता बोलते हैं, डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड आल्सो कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट रिजिज ऑफ द फोर लिम्ब व्हिच इज अब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेल फ्रॉग होता है उसमें उसको हम फीमेल फ्रॉग से, मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से कैसे हम विभेदित कर सकते हैं, यानी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी उसमें डिफरेंसेस, इसका मतलब सीधा सा मतलब हुआ उसमें डिफरेंसेस, उसमें डिफरेंसेस कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जो मेल फ्रॉग होगा उसमें क्या क्या पाया जाएगा। मेल फ्रॉग में जो होगा एक साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक पाया जाएगा। साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक हेल्प टू आइडेंटिफाई फीमेल पार्टनर। ठीक है, यानी ये अपना साउंड प्रोड्यूस करेगा, वोकल सैक से साउंड प्रोड्यूस करेगा किसको, अपनी फीमेल पार्टनर को, यानी अपनी फीमेल फ्रॉग को ये आइडेंटिफाई यानी ढूंढने में ये इसका हेल्प करता है, उसको ये साउंड सुन के इसकी फीमेल पार्टनर इसके पास आ जाती है। ठीक है, यानी मेल फ्रॉग डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड आल्सो कॉपुलेटरी पैड, जो कि कॉपुलेटरी पैड भी पाया जाता है और साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक भी पाया जाता है। कॉपुलेटरी पैड जो पाया जाएगा फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, है ना, इसके आगे वाले पैरों के डिजिट पे पाया जाएगा कॉपुलेटरी पैड, यानी फर्स्ट डिजिट यानी पहले वाले डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड पाया जाएगा फोर लिम्ब पे, है ना, फोर लिम्ब के पहले डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड पाया जाएगा और वोकल सैक पाया जाएगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, उसको देख के उसको आवाज़ सुन के इसकी फीमेल पार्टनर इसके पास आ जाती है। ठीक है, विच आर अब्सेंट इन फ्रॉग, जो कि फीमेल फ्रॉग में ये अब्सेंट होते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर यानी साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक और कॉपुलेटरी पैड फीमेल फ्रॉग में अब्सेंट होंगे। ठीक है, अब इसको आपको मैं फिगर दिखाता हूँ आपको, इसमें ये फिगर दिखाया गया है। इसकी बॉडी को दो भागों में डिवाइड किया हम लोगों ने, हेड में और ट्रंक में। ट्रंक में धड़ होता है, हेड मतलब इसके ये हेड का हिस्सा और ये इसके ट्रंक का हिस्सा। ठीक है, और इसमें जो होगी आइस होती हैं, आइस जो इसकी बल्ज आइस होती हैं, यानी उभरी हुई आँखें होती हैं, बल्ज आइस होती हैं, कैसे होती हैं, बल्ज आइस होती हैं। ठीक है, बल्ट आइज होती हैं, उभरी होती हैं, और इसमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाएगी जो इसके वाटर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, इनके जो फोर लिम्ब होते हैं, फ्रॉग के फोर लिम्ब में कितने डिजिट पाए जाएंगे, चार डिजिट पाए जाएंगे और हैंड लिम्ब में पांच डिजिट पाए जाएंगे। फोर से मतलब चल रहा है फोर, मतलब आगे वाले में कितने फोर डिजिट पाए जाएंगे, इससे रिलेट हो गया, और हैंड लिम्ब में पाँच डिजिट पाए जाएंगे। इनके जो लिम्ब होते हैं वो बेब्ड होते हैं, यानी इसमें जाला पाया जाता है जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी में डॉर्सल सरफेस में देखो स्पॉट, डार्क स्पॉट दिखाए गए हैं, है ना, जो कि इनरेगुलर है, यहाँ पे फिर यहाँ पे नहीं है, है ना, इनरेगुलर है, और ओलाइव ग्रीन कलर की इनकी स्किन है, बट इसकी वेंट्रल साइड की जो यूनिफॉर्मली जो स्किन है एक समान स्किन है, वो कैसी है, पेल येलो कलर की स्किन है इसकी वेंट्रल साइड की। ठीक है, सो ये हमारा इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी का टॉपिक था आज का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे। इसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में। बेसिकली एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग आई डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स, विद मी वॉच द वीडियो टिल एंड कीप सपोर्ट।